मेरा नाम अब्रीज़ली अब्बासी है और मैं बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। 28/4/2023 को PA सिविल लाइन्स में एक वकूआ होता है कि जिसकी FIR को लॉन्च किया जाता है। जैसे ही FIR कटती है तो इन्वेस्टिगेशन अमला जो है वो हरकत में आता है, और FIR में ये दावा किया गया था मुदई की तरफ से कि जब वो अपने दोस्त को कुछ रकम अदा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में दो मोटरसाइकिलों पे तीन नामालूम अशखास ने उसके साथ वारदात की। जो माल मसरूका लिखवाया गया था उसमें 70 लाख रुपए कैश, एक आईफोन और एक 9mm पिस्टल मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मरकजी मुलजिम जिसका नाम बिलाल है उसको गिरफ्तार किया और उससे इंटरोगेशन का प्रोसेस शुरू किया। उसने ये दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि जो उसके गैंग मेंबर्स हैं वो पूरे कराची में और बाकी सूबों में भी वारदातें करते हैं। उसके बाद उनका रिकॉर्ड भी निकलवाया गया और टेक्निकल बुनियादों पे उनकी लोकेशंस वगैरह भी ली गई। उसके बाद बिलाल ने ये इंकशाफ किया कि जी वो सवात की तरफ, KPK की तरफ वहाँ पर रवा दवा हैं। हमने अपने टेक्निकल टीम को उनके साथ अटैच किया और SIU साहब ने भरपूर कार्रवाई करते हुए उनका ताकुब किया। ताकुब करने के बाद वहाँ से उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया, जिनके पास से रिकवरी जो हुई है उसकी जो तफसील है वो कुछ इस तरह से है कि 10 लाख रुपए हमें कैश वहाँ से बरामद हुए और उसके अलावा तकरीबन 7 मोबाइल फ़ोन की जिनकी कुल कीमत है वो तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है, और एक गाड़ी जिसकी कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास है जो कि इन्होंने माले मसरूका से खरीदी थी। उसके बाद इसका जो कानूनी प्रोसेस है वो हमने शुरू किया और उनकी जो तलबी है वो हमने KPK से उसको जो है वो यकीनी बनाया और यहाँ पर उनको लेकर आए। ये गैंग था कि जो महमूदाबाद और बलोच कॉलोनी में पहले भी चालान हो चुका था, और ये ना सिर्फ यहाँ पर कराची में और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बैनुल अजलाई जो गैंग जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उस तरह से ऑपरेट करते था, बल्कि इनका जो इनके जो टेंटिकल्स थे वो KPK तक फैले हुए थे। बहुत ही अच्छी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन विंग ने अमल में लाई है कि जिससे बहुत सारी हमारी वारदातें भी ट्रेस हुई हैं और लोगों तक उनकी जो है रिकवरी की अमाउंट भी पहुंची है। इन्वेस्टिगेशन से तो बहुत अच्छा मुतमईन हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी रिकवरी कर दी है इन्वेस्टिगेशन ने, काम बहुत अच्छा करा इन्होंने। 10 लाख 10 हज़ार रुपये कैश रिकवरी है और एक कार है 16 लाख की जो रिकवरी करी है इन्वेस्टिगेशन ने सवास सिंह से, और वो चीज़ अभी कराची में मौजूद है इनके पास। आम आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है या रोड पे या घर पे XYZ कुछ भी, आप पुलिस से पूरा जाके ताबुन करें, पुलिस को हकाइक बताएं सारे, ताकि पुलिस उन हकाइक में से आपके लिए रास्ते निकालती है। तो वो ज़रूरी है पुलिस के पास जाना, आपको लॉस नहीं होगा। मुझे कोई लॉस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना पुलिस ने होने दिया। पुलिस से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हुई,